हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की प्रॉब्लम नंबर 7 हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। प्रॉब्लम देखिए किस तरीके से गिवन रहेगी। ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए गिवन SSB। SSB मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड पोजिशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। हमें बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है और उसकी पोजीशन क्या रहेगी वो भी फाइंड आउट करना है। देखिए प्रॉब्लम में बीम गिवन किस तरीके से है। ए बी लेंथ ऑफ बीम गिवन है जिसकी टोटल लेंथ है 2 इधर से, 1.5 इधर, 1.5 इधर, तो टोटल कितनी होगी ये 5 मीटर। ए और बी एंड पे क्या है, ये सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपली सपोर्टेड होने के साथ साथ ही DC जो पार्ट दिख रहा है आपको, DC पार्ट के ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या यूं कहें UDL शॉर्ट फॉर्म में, 2 kN/m आपका लग रहा है, ठीक है। तो 1 मीटर पे कितना लग रहा है, 2 kN, तो टोटल कितनी लेंथ है, 1.5 मीटर, तो टोटल लेंथ पे कितना हो जाएगा, 2 × 1.5, 3 kN/m हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका यहां से ये रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे RARB। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम किस तरीके से रहेगी ये। सबसे पहले देखिए, टू फाइंड रिएक्शंस RA एंड RB टेक मोमेंट्स अबाउट A। हमें क्या करना है, A के अबाउट मोमेंट लेनी है, ये रहा A। तो बेंडिंग मोमेंट के क्या साइन कन्वेंशन रहेंगे, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, अब बार बार उसके साइन कन्वेंशन को आपको ड्रॉ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आए तो डायरेक्ट लिख देना कि एंटी क्लॉकवाइज on right side is taken as positive and clockwise on left hand side of the cross section is taken as positive, इसके opposite क्या है मेरा, negative है। इस तरीके से लिख दीजिएगा sign convention बना के। हमने यहाँ draw नहीं किया है, ये understood है, आपको कई problems में हमने समझा दिया है। तो reaction find out कैसे करेंगे, A के about moment ले लेंगे। A के about moment ले लेंगे तो देखिए RB ऊपर की तरफ है, top surface get contracted, ठीक है। ये RB की value आने के बाद लिखा है मैंने यहाँ पे 1.35 kN, शुरू में RB ही रहेगा, RB into total length, total length कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। उसके बाद ये वाला load, ठीक है ना, 2 × 1.5, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना kN बन जाएगा, ये 2 × 1.5 3 kN बन जाएगा, और एक्ट कहाँ करेगा, DC के मिडल में। UDL की खास बात होती है जितनी लेंथ पे वो एक्ट करता है उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा स्मॉल W को, स्मॉल W कितना है 2 kN/m, 2 को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए और DC के मिडल में एक्ट करेगा, DC के मिडल में एक्ट करेगा मतलब 1.5/2 पे एक्ट करेगा। तो ये डिस्टेंस जहां ये आ जाएगा 1.5/2 हो जाएगी, 1.5/2 ये और 1.5 ये, तो ये होगी मेरी टोटल लेंथ, ये लोड हो गया 2 × 1.5, ये डिस्टेंस हो गई कहां से, A से, क्योंकि हम A के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी इसकी RB की 1.35 kN, ये लिख दिया हमने यहाँ पे 1.35 kN। जैसे ही ये वैल्यू आएगी उसके बाद हमें क्या करना है, RA प्लस RB वाली इक्वेशन बनानी है, यानी जितने ऊपर की तरफ फोर्स लग रहे हैं वो और जितने नीचे की तरफ फोर्स लग रहे हैं वो, उनका जोड़ बराबर रहेगा। तो RA प्लस RB क्योंकि अपवर्ड रिएक्शंस हैं तो दोनों का सम किसके बराबर रहेगा, जो डाउनवर्ड लोड लग रहा होगा, डाउनवर्ड एक ही लोड लग रहा है UDL, उसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट किया था, अभी किया था हमने 2 × 1.5, ये आ गया कन्वर्ट होके। तो RA की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, RB की वैल्यू पुट करके वो वैल्यू आ जाएगी 1.65 kN, ठीक है। तो यह भी वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दी, RA और RB दोनों वैल्यू लिख दी हैं। उसके बाद हम शियर फोर्स की कैलकुलेशन को स्टार्ट करना करते हैं। तो शियर फोर्स कैलकुलेशन हमने शुरू की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CB क्रॉस सेक्शन, ध्यान दीजिएगा CB क्रॉस सेक्शन जो है ये वाला, इस पे क्या है, C और B के बीच में कोई लोड नहीं है, जो लोड लग रहा है वो B पे ही लग रहा है, तो B पे जो शियर फोर्स रहेगा वो C तक सेम रहेगा। तो B पे शियर फोर्स कैसा लगेगा, साइन कन्वेंशन याद कीजिएगा, राइट साइड अपवर्ड होता है मेरा, नेगेटिव, ठीक है ना। तो शियर फोर्स हो जाएगा B और C के बीच में, या कहें B पे, B से लेकर C तक, मतलब 1.35 kN ऊपर की तरफ, तो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए CD क्रॉस सेक्शन पे, C और D क्रॉस सेक्शन पे कितना लग रहा होगा लोड, देखिए यहाँ हम एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लेंगे, इस साइड XX, तो इस साइड ये ऊपर की तरफ है माइनस का 1.35 और ये नीचे की तरफ 2 × 1.5, ये लिख दिया हमने, ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा, राइट साइड डाउनवर्ड क्या होता है मेरा, पॉजिटिव होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.65 kN, ये वैल्यू कहाँ तक रहेगी, D तक तो रहेगी, लेकिन D से के बाद भी यही वैल्यू रहेगी, क्यों, D और A के बीच में और कोई लोड
नहीं है। तो जितनी वैल्यू मेरी इस पॉइंट पे है, डी पॉइंट पे, उतनी ही फिर आगे यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो देखिए, शीयर फोर्स की सभी कैलकुलेशंस हो चुकी हैं, सभी क्रॉस सेक्शंस के में के बीच में हम वैल्यू निकाल चुके हैं शीयर फोर्स की। अब शीयर फोर्स डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। जितनी लेंथ ऑफ बीम है उतनी ही लेंथ हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ए बी। ए बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? जीरो शीयर फोर्स है। इस पॉइंट के ऊपर कहीं भी आप मार्क करेंगे वो जीरो शीयर फोर्स को शो करेगा। अब ए से लेके सी तक, सॉरी ए से लेके डी तक कितना मेरा शीयर फोर्स लग रहा है? 1.65 किलो न्यूटन पॉजिटिव। तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा डी तक। उसके बाद बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक कितना है? माइनस का 1.35। ये देखिए इधर, बी से लेके सी तक माइनस का 1.35 शो करता है। ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ, ये कितना शो करेगा? माइनस का 1.35 किलो न्यूटन। अब ये लेंथ हॉरिजॉन्टल रहेगी और ये भी हॉरिजॉन्टल रहेगी। क्यों? क्योंकि ये लोड लग रहा है मेरा पॉइंट लोड रिएक्शंस है, तो बीच में कोई लोड नहीं आ रहा, इसीलिए शीयर फोर्स की वेरिएशंस क्या रहेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट की जाएगी। लेकिन लेकिन डी सी के बीच में क्या लग रहा है? यूडीएल। तो वहां शीयर फोर्स की वेरिएशंस होती है इंक्लाइंड लाइन। तो हम यहां ऊपर से लेकर नीचे तक ये डी पॉइंट की वैल्यू को, इधर वैल्यू सो सी पॉइंट की है, टी से लेकर सी तक की ये जो वैल्यू है इसको हम इंक्लाइंड लाइन से मिलाएंगे और यहाँ नाम लिख देंगे एल। और जहाँ पे मेरा शीयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, देखिए ये जो रेड कलर में मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ शीयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है। तो जहाँ शीयर फोर्स साइन चेंज करता है वहीं बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है। तो इसने पूछा पोजिशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। पोजिशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज एम। लेकिन एम बी से कितनी दूरी पे है ये हम बता सकते हैं, या ए से कितनी दूरी पे है ये भी बता सकते हैं। तो जो आपको ठीक लगे वो वैल्यू आप बता देना। अगर वो कहे कि एग्जामिनर की बी पॉइंट से बताइए तो बी पॉइंट से भी दूरी बता सकते हैं आप, ए पॉइंट से कहे तो ए पॉइंट से भी दूरी बता सकते हैं। अभी उसने कुछ नहीं कहा है तो हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू निकाल के लिख देंगे, ठीक है। वो वैल्यू कैसे आएगी, लेकिन पहले देखिए दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगी एल एम डी और एम सी पी, दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे बेटा ये दोनों, ठीक है ना। इसके अंदर एल डी की वैल्यू पता है? हाँ पता है, 1.65 किलो न्यूटन। क्या हमें सी पी की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, 1.35 किलो न्यूटन। तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा। बेस में क्या है, ये टोटल लेंथ कितनी है? ध्यान दीजिए ये टोटल लेंथ है 1.5। ध्यान दीजिए सी डी वैल्यू कितनी है? 1.5। तो ये डी एम कितना हो जाएगा? 1.5 माइनस सी एम, ठीक है ना। और सी एम तो सी एम है ही। तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल लिखी हमने एल डी एम और सी एम पी, इसमें हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस तरीके से लिखा 1.65 अपॉन 1.5 माइनस सी एम। ये टोटल लेंथ 1.5 है, इसमें सी एम घटा दिया डी एम आ गया, ठीक है। डी एम की वैल्यू हमने डायरेक्ट लिख दी है यहाँ पे। दूसरी वैल्यू कितनी है ये वाली? ये बराबर है सी पी के। ये कितनी हो जाएगी? 1.35 अपॉन में सी एम। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो सी एम की वैल्यू आ जाएगी 0.675 मीटर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट की वैल्यू या जीरो शेयर फोर्स की वैल्यू बी पॉइंट से कितनी दूरी पे है, बी सी तो आपको पता ही था 2 मीटर, और सी एम और जोड़ देना उसके अंदर 0.65 मीटर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.675 मीटर। अगर वो ए पॉइंट से दूरी पूछता है तो 1.5 तो पता ही है, ठीक है ना। तो ये टोटल कितना है मेरा, ठीक है ना, ये टोटल कितना है 1.5 में से 0.675 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डीएम की वैल्यू आ जाएगी। डीएम और एडी को जोड़ देना, ए पॉइंट से दूरी पता लग जाएगी। लेकिन अभी उसने कुछ नहीं कहा तो हम जो मर्जी चाहें ए या बी वो पॉइंट से दूरी माप के लिख देंगे, ठीक है। तो ये सीएम की वैल्यू आ गई। अब हमारा न्यूमेरिकल काफ़ी हद तक ईजी हो गया है। वो कैसे हो गया ईजी, देखिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करनी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो एंड पॉइंट पे आपकी जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या रहेगी? जीरो रहेगी। यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी? जीरो रहेगी। अब निकालनी है हमें बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी निकालेंगे, ये देखिए लोड क्या लग रहा है 1.35 किलो न्यूटन। ऊपर की तरफ जाएगा ये बेंडिंग मोमेंट के अंदर साइन कन्वेंशन क्या लिया जाएगा? टॉप सरफेस गेट कॉन्टेक्ट पॉजिटिव, ठीक है ना। सी के अबाउट निकाल रहे हैं तो इनटू में 2, 1.35 इनटू 2 वैल्यू आ जाएगी 2.70 यूनिट, ध्यान रखिएगा, किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। ये फोर्स है, इसकी यूनिट किलो न्यूटन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। अब निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एम, वही वैल्यू हमसे पूछी है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यही पूछा है। देखिए ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन, पोजीशन तो हमने फाइंड आउट कर ली बी से बता देंगे, ये 2 है
ये 0.675 है। ये वाली तो हमें पता लग गई, लेकिन हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड भी बताना है। एम पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए, एम पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, एम के अबाउट ही मोमेंट ले लेंगे। तो देखिए ये 1.35 हो जाएगा, 1.35 और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये कितनी है 2 प्लस 0.675। देखिए 1.35 इंटू 2.675 साइन कन्वेंशन हो जाएगा ऊपर की तरफ बेंडिंग मोमेंट का, टॉप सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इतनी सी लेंथ, ध्यान दीजिए सी एम लेंथ, सी एम लेंथ कहाँ पड़ रही है, यहाँ कहीं पड़ती है, यहाँ यहाँ क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। कितना लग रहा है एक मीटर पे, 2 किलोन्यूटन पर मीटर। तो 0.675 पे कितना लगेगा, 2 × 0.675। और एक्ट कहाँ करेगा, एम सी के या सी एम के बीच में, ठीक है ना, कितने बीच में, 0.675/2। तो 2 × 0.675 आगे मेरी लोड की वैल्यू, और लोड से मल्टीप्लाई कर दिया हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सी एम के मिडल में, वो वैल्यू कितनी रहेगी, 0.675 का हाफ, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, वैल्यू आएगी हमारी 3.155 किलो न्यूटन मीटर, राइट। अब निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, क्यों, क्योंकि हम सी पे भी निकाल चुके हैं, बी पे तो जीरो है ही, एम पे अभी अभी निकाली, अब डी पे निकालनी बाकी है खाली। तो डी पे कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप लेफ्ट साइड ले लीजिए, यानी इधर से मत लीजिए, इधर से लीजिए लेफ्ट साइड, डी से लेफ्ट क्या बचेगा, 1.65 किलो न्यूटन, ये ऊपर की तरफ है, टॉप सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड प्रोड्यूस करेगा, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.5, मल्टीप्लाई किया वैल्यू आ जाएगी 2.475 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए इन सभी बेंडिंग मोमेंट्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, एट एम, वही तो मिलने वाला था, शियर फोर्स ने यही साइन चेंज किया, यही शियर फोर्स की वैल्यू जीरो रही, तो यहाँ पे क्या होगी, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी, वो कितनी हुई, 3.155 किलो न्यूटन मीटर। एक तो वैल्यू ये आ गई मेरी, यही पूछी है उसने कि मेरी मैग्नीट्यूड बताइए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, और दूसरा क्या पूछा, पोजीशन, पोजीशन क्या बताएंगे आप, सी एम तो आप निकाल ही चुके हैं, बी से बता देंगे, फ्रॉम बी कितनी हो जाएगी, ये बी पॉइंट से दूरी 2 प्लस 0.675, ये आ जाएगा 2.675 मीटर फ्रॉम बी, इस तरीके से लिख दीजिएगा एग्जाम के अंदर, एक ये आंसर और एक ये आंसर, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत ही इजी थी, इस वीडियो को एक बार आप देखिए अच्छे से, उसके बाद इसको समझिए, फिर बिना देखे सोल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर आप बिना देखे सोल्व कर पा रहे हैं तो ये मेहनत सफल हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, थैंक यू वेरी मच।